हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। और कई रेमेडीज ऐसे होते हैं जिसका जो रिजल्ट होता है वो श्योर शॉट होता है, यानी उसका फायदा होना ही होना है। अभी जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, डीआईवाई हेयर टॉनिक बताने जा रही हूँ, जो एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, बहुत ही ब्यूटीफुली ये क्रिएट किया गया है, जो आपके बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है, तो मैंने एक परफेक्ट ब्लेंड रेडी किया है डिफरेंट तरीके के एसेंशियल ऑयल्स का, साथ ही साथ कैरियर ऑयल यूज किया है, जिसकी वजह से ये सिर्फ हेयर ऑयल नहीं है, हेयर टॉनिक है। और इसको अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि एक वीक के अंदर ही आपके बाल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं और आपके बालों के सारे प्रॉब्लम्स ट्रीट हो गए हैं। इसको आप हेयर ऑयल नहीं, हेयर टॉनिक नहीं, बल्कि मेडिसिन मान के चलिए और यूज कीजिए। हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, इस ऑयल के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। अगर आप लोग बालों के कोई सीवियर कंडीशन को फेस कर रहे हैं, जैसे कि सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या फिर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और आजकल डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं मिनोक्सिडिल। तो मैं बता दूं कि उसका असर तो होता है, हेयर फॉल आपका रुक जाएगा, बालों की ग्रोथ भी होगी, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब आप बंद करेंगे तो उसके सीवियर साइड इफेक्ट्स होंगे। इनफैक्ट आप नहीं भी बंद करेंगे, आप उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे तो भी उसके सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अभी मैं आपको एक इसका आसान सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ कि अगर आपके बालों के सीवियर कंडीशन है तो आप एक एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं, जो ऑलमोस्ट आपको मिनोक्सिडिल की तरह इफेक्ट करेगा। आपके ना सिर्फ वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा बल्कि आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी और बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि इसमें जो भी मैं ऑयल्स यूज करने जा रही हूँ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। और उसको किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, मेन विमेन कोई भी लगा सकता है। आपकी बॉल्डनेस शुरू हो गई है, मैं मेन के लिए बोल रही हूँ, और उस पर भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपके बाल वापस आ सकते हैं। तो ऐसा कमाल का है ऑयल। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बनाना शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली आपको कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक कैरियर ऑयल चाहिए आपको। एसेंशियल ऑयल्स का तो ये मिक्सचर है ही, लेकिन आपको एक ऐसा ऑयल चाहिए जो इन सारे ऑयल्स के कॉम्बिनेशन को पकड़ के रखे और उससे आपको एप्लीकेशन में भी आसानी हो, क्योंकि डायरेक्टली आप एसेंशियल ऑयल नहीं लगा सकते क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मैं ये ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आप चाहें तो कैस्टर ऑयल ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा सूट करता है वो आप ले सकते हैं। तो एज अ कैरियर ऑयल मैंने ये देखिए 1 टेबल स्पून ले लिया है ये ऑलिव ऑयल, जो इस ब्रांड का है, देख लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम इसमें मिक्स करना शुरू करेंगे एसेंशियल ऑयल्स। तो इसमें सबसे पहला ऑयल जो मैं मिलाने जा रही हूँ वो है एवोकाडो ऑयल। और ये ऑयल इतना कमाल का है कि अगर आप सिर्फ इस ऑयल के भी आप यूज करते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, मैंने ले लिया कम से कम 10 to 12 drops। हमेशा आप एक ड्रॉपर का यूज करें जब आप एसेंशियल ऑयल्स ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बूंदे चाहिए होती हैं, ना कि कुछ स्पून्स। तो ये हमने पहला ऑयल ले लिया, देख लीजिए फिर से, ये है एवोकाडो ऑयल। और ये दूसरा ऑयल जो है वो है ब्लैक पेपर ऑयल। इसके भी हम कुछ ड्रॉप्स ही इसमें ऐड करेंगे। इन सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की समस्या होगी कि ये घर के आसपास नहीं मिल रहा है, तो ये सारे ऑयल्स आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे। और ये थर्ड है रोजमेरी ऑयल। ये सबके मैं 8 to 10 drops डाल रही हूँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद ये एप्रिकॉट ऑयल, इसके भी हम कुछ बूंद डालेंगे। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, एप्रिकॉट ऑयल का जो कलर होता है स्लाइट येलोइश होता है। और हिली एरियाज में ये वाला ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे घरों पे बनाए जाते हैं। ये ना सिर्फ हमारे बालों के लिए अच्छा है बल्कि हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट होगा ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, के भी कुछ बूंद हम इसमें ऐड करेंगे। अगर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल आपके पास नहीं है तो आप इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी ज़रूरी है, इसलिए कोई भी लेमन या ऑरेंज में से एक एसेंशियल ऑयल आपको डालना ही डालना है। तो ये देखिए हमारा ऑयल रेडी हो गया, ये हमारा ऑयल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल एज अ कैरियर ऑयल डाला था, तो हम इसको फिनिशिंग टच देंगे। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का ऑयल रेडी हो जाएगा, इसमें होगा ब्लैक कैस्टर ऑयल। मैं आपको बता दूं कि कैस्टर ऑयल जो है बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आप बालों की ग्रोथ सालों से रुकी हुई है तो यही एक ऑयल है जिससे कि आपके बाल लंबे हो सकते हैं। तो ये हम 1 स्पून डालेंगे, इसकी क्वांटिटी उतनी ही होंगी जितनी ऑलिव ऑयल की। ये आपके सारे ऑयल्स हो गए कंप्लीट, अब इसको आप मिक्स कर दीजिए। अब इसके लगाने का मैं एक बहुत ही आपको कमाल का तरीका बता देती हूँ। जब ये ऑयल आपका रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, कोशिश कीजिए कि इसका एक बॉटल बना के रखने का, सो दैट आप इसके लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकें। इसको वीक में कम से कम 3 बार यूज़ करना है।
अब इसके एप्लीकेशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने जा रही हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ। इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा, एक चम्मच हनी और ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ये ऑयलिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद ना सिर्फ इसके बेनिफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, बल्कि आपके बालों की कंडीशनिंग भी हो जाएगी। इसके बाद ना आपको कोई पोस्ट कंडीशनर लगाने की जरूरत होगी, ना कोई हेयर सीरम लगाने की जरूरत होगी, ना कोई प्री कंडीशनर का। ये ऑलमोस्ट आपका एक हेयर मास्क की तरह रेडी हो गया। तो ये जो एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, ये अब हमारे बालों के लिए एलिक्सिर का काम करता है, बालों में नई जान लाता है। ना सिर्फ बालों को लंबा करेगा, बल्कि बॉल्डनेस, बॉल्ड पैचेस, हेयर थिनिंग की समस्या को भी दूर करेगा। इसको आप ऑलमोस्ट मिनोक्सिडिल ही समझिए। इसमें बस फर्क यही है कि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें कोशिश कीजिए कि जितने ऑयल्स मैंने बताए हैं वो सारे डालने का, एक भी इधर उधर ना हो। ये जो लास्ट का स्टेप मैंने बताया हनी और एलोवेरा का, वो आप स्किप कर सकते हैं, वो मेरा तरीका है। इससे मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा आसानी भी होती है और हेयर रूट जो है वो मजबूत हो जाएंगे, हेयर स्ट्रैंड्स मजबूत हो जाएंगे। आप चाहें तो हनी और एलोवेरा को स्किप कर सकते हैं, बाकी जो ऑयल्स का जो कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है, वो एज इट इज रखिए। इसमें चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बाकी आपके एग्जैक्टली इसी तरह से लगाइए, इसी तरह से क्रिएट कीजिए और अपने बालों को लंबे समय तक लंबा, घना और खूबसूरत बनाकर रखिए। तो ये रहा आपका हेयर टॉनिक, ये रहा आपका हेयर ऑयल, ये रहा एसेंशियल ऑयल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। होप यू आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।